एसीसी गग्गल कंपनी बरमाड़ा प्रबंधन व ट्रक ऑपरेटर्स के बीच माल ढुलाई भाड़े को लेकर चले विवाद के बाद जहां 14 दिसंबर को कंपनी प्रबंधन ने प्लांट पर ताला लगाने का फरमान जारी किया था, तो वहीं जिला प्रशासन, कंपनी प्रबंधन व बीडीटीएस पदाधिकारियों के बीच चली बैठक भी बेनतीजा रही, जिसके बाद अब ट्रक ऑपरेटर्स ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और बीडीटीएस कार्यालय से एसीसी कंपनी के मुख्य गेट तक रोष मार्च निकालकर कंपनी प्रबंधन व अडानी ग्रुप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं ट्रक ऑपरेटर्स के इस प्रदर्शन में एक्स सर्विसमैन यूनियन के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि व विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आ गई है और कंपनी प्रबंधन द्वारा प्लांट बंद करने के निर्णय को तुगलकी फरमान बता रहे हैं। वहीं बीडीटीएस के सदस्य सहित पंचायत प्रतिनिधि व एक्स सर्विसमैन यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मामले में हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द कंपनी को खुलवाने व माल ढुलाई भाड़ा सहित ऑपरेटर्स की विभिन्न मांगों को पूरा करने की अपील की है। हमारी डिमांड है कि फैक्ट्री को चलाया जाए, जो यहाँ अडानी ग्रुप ने फैक्ट्री ले रखी है वो हमारा शोषण बंद करे। यहाँ पर आकर के, बाहर से आकर के ये चलते हिमाचलियों का के ऊपर कोई गलत तरीके से थोप देगा वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ, हमारी रोजी रोटी का साधन है, हमारी ज़मीनें गई हुई है, यहाँ हमारे रोज पोल्यूशन से प्रभावित होना पड़ता है। इसलिए अडानी ग्रुप को चाहिए पहले हमारे से वार्ता करे और हम आकर के यहाँ कर उनसे वार्ता करे। अगर वो हमारे से वार्ता नहीं करते हैं तो ये फैक्ट्री कब तक बंद रखेंगे, ये तो नहीं चलेगा। सरकार को वार्ता करना पड़ेगी, अडानी को वार्ता करना पड़ेगी, पब्लिक के साथ वार्ता करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ज़मीनें पोल्यूशन से प्रभावित हैं। पता नहीं इनका क्या तुगलक फरमान इन्होंने जारी करा, क्या दादागिरी करी कि एकदम से इस प्लांट को बंद कर दिया। तो मेरा स्थानीय लोगों से, स्थानीय पंचायतों से और ऑपरेटर भाइयों से, दुकानदारों से, पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनसे सभी से निवेदन रहेगा कि वो इस हमारे इस आक्रोश, जो नाराजगी वाला आक्रोश है हमारा, उसमें शामिल हो और शामिल होकर हमें जो इस प्लांट को मतलब खुलवाने में या जो भी कोई वार्ता होगी उसमें हमारा साथ दें। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा सरकार से भी ये प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस जो लाखों लोगों का रोज़गार जो चला हुआ बरमाड़ा और दालडा की फैक्ट्री से जल्द सुलझाने की कोशिश करें। एसीसी बरमाड़ा फैक्ट्री में एक अडानी ग्रुप जो आया हुआ है मालिक बन के, उसने एक तुगलकी फरमान हमारे ट्रक ऑपरेटरों के साथ, हमारे एसीसी जो हमारे कर्मचारी भाई है उनके साथ एक तुगलकी फरमान बगैर किसी की परमिशन के, बगैर हिमाचल गवर्नमेंट को उसके उसमें विश्वास में लेके, जो इसने तुगलकी फरमान हमारे इलाके, हमारे ज़िला बिलासपुर की जनता के साथ धोखा किया है, उसके लिए ट्रक ऑपरेटर ही नहीं, मेरी तमाम पंचायतें, जितने भी ग्राम पंचायत पंजगाएँ धान कोठी जो भी हमारी सराउंडिंग पंचायतें हैं, मैं उन सब से यही अनुरोध कर रहा हूं कि वो जब तक ये तुगलकी फरमान वाला आदमी अपना फैसला वापस ना ले, धरने पे आएंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनशन, अमर अनशन पे भी हम लोग बैठेंगे, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी की बात है।